सीएम अशोक गहलोत पहुंचे जोधपुर, देचू में मरने वाले 11 लोगों को यहां पर श्रद्धांजलि दी। गंगाड़ा पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। देचू में मरने वाले 11 लोगों को श्रद्धांजलि दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अब कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोरोना के हालातों की समीक्षा करने का। जोधपुर में जिस प्रकार से कोरोना के हालात बने हुए हैं वहीं पर समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर लौटेंगे। जैसलमेर से रवाना हुए, मीडिया से मुखातिब वहां पर हुए, जोधपुर के लिए रवाना हुए और यहां पर आकर देचू में मरने वाले 11 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अब यहां पर कोरोना के हालातों की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। लगातार सियासी संग्राम के बीच भी, सियासी सरगर्मियों के बीच भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं और साथ ही दिवंगत आत्माओं को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। यहां पर देचू में मरने वाले 11 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और साथ ही अब कार्यक्रम है कि जोधपुर में कोरोना के जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर समीक्षा करने का। यहां पर लगातार प्रदेश के मुखिया जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में जो 11 लोगों की मौत देचू में हुई थी वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने, अब कोरोना के हालातों की समीक्षा भी होगी, क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए मनीषा, अभी मुख्यमंत्री यहाँ गंगाड़ा पहुंचे और जो देचू में हुए थे 5 नागरिकों की मौत उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद अभी जो परिजन है उनसे मिल रहे हैं और जो पाक विस्थापित के संगठन है, काफी पाक विस्थापित इकट्ठे हुए हैं, उन सबसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं वो लोग बता रहे हैं कि जो जो समस्याएं उनकी है उनको मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही जो ये घटना घटित हुई है इसके विषय में विस्तार से जो हिंदू सिंह सोडा है वो मुख्यमंत्री को बताएं और उसके बाद जी कलेक्ट्रेट परिसर है वहां जाएंगे और कोरोना की जो बैठक है वो मीटिंग लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का जयपुर जाने का प्रोग्राम है। जी दयाल, देखिए श्रद्धा सुमन वहां पर मुख्यमंत्री ने अर्पित किए हैं, जो 11 लोगों की मौत हुई थी उन्हें, वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, क्या क्या मुद्दे वो अपने मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, क्या क्या बातचीत वहां पर चल रही है? जैसा कि ये पहली घटना है कि कोई पाकिस्तान से आए हिंदू जो है उनके साथ घटित हुई है, उसको लेकर सभी सभी जो है जो जो घटना हुई उसके बारे में मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उसमें जो इनकी मुख्य मांग है वो कि जो भी जिस तरह से ये घटना हुई, जो जो दोषी है, जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ है और साथ ही जो सुसाइड नोट मिला है, जिस तरह से सुसाइड नोट में मांग की गई थी, सुसाइड नोट को देखते जो पुलिस और उन पे जो आरोप लगे हैं उनको देखते हुए जांच पूरी करवाने की बात, जांच सही से करवाने की और अति एजेंसी से जांच करवाने की बात पाक विस्थापित मुख्यमंत्री से मांग रखा है। बिल्कुल दयाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन वहां पर दिवंगत आत्माओं को अर्पित किए हैं और साथ ही वहां पर लोगों की बात भी सुन रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुन रहे हैं। उसके बाद कोरोना को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन फिलहाल दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। और अब वहां पर जो अन्य पाक विस्थापित लोग हैं उनकी बातें मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको बिल्कुल संवेदनशील होकर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वहां पर पहुंचने के बाद में श्रद्धा सुमन सबसे पहले अर्पित किए और उसके बाद वहां के जो लोग हैं उनके समस्याओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना जा रहा है, क्या उनके जो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है
क्योंकि लगातार इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि प्रदेश की जनता से जुड़ी हर एक गतिविधि पर मुख्यमंत्री की नजर है। और अब जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बावजूद भी वहां पर पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, साथ ही वहां लोगों से बातचीत भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसके बाद में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी लेंगे। जोधपुर में कोरोना के क्या हालात हैं, किस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहां पर और अधिक करने की जरूरत है और अब तक किस प्रकार के इंतजाम किए, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे, फीडबैक तमाम अधिकारियों से लेंगे।